हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी कुछ कार्य किया है? जी बिल्कुल किया हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ कार्य नहीं किया हो। तो आपने देखा होगा जब भी हम कुछ कार्य करते हैं या एक लिमिट से ज्यादा जब हम कार्य कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं। तो दोस्तों बताइए ऐसा होता है क्यों, हम थकते क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता है, हम लगातार कार्य करते रहते हैं। जैसे आपने मशीनें देखी होगी, मशीनें 24 घंटे कार्य करती रहती है फिर भी वो थकती नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कार्य करते हैं और हम बोलते हैं हम तो थक गए। तो आखिर दोस्तों आप थके क्यों? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें थकान क्यों होती है। तो दोस्तों जब भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है दोस्तों? तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हम जब भी श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो जब ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में जाती है तो ये हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ देती है, यानी कि ग्लूकोज का ये विघटन कर देती है और इस क्रिया में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? ऊर्जा। जी वही ऊर्जा जो हमें कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों जब भी हम ज्यादा कार्य कर लेते हैं, जैसे हम जिम में बहुत अधिक वर्कआउट कर लेते हैं या फिर हम दौड़ लगाते हैं या एक लिमिट से ज्यादा जब हम कार्य करने लगते हैं तो हमें थकान होने लगती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम ज्यादा कार्य करने लगते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें केवल ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती, यानी कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है वो थोड़ी कम होती है और हम कार्य ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो ऑक्सीजन बिना सॉरी वो जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन के भी अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाएगा और हमें क्या दे देगा? ऊर्जा। यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी हमें क्या प्राप्त होने लग जाएगी? ऊर्जा प्राप्त होने लग जाएगी। और इसी कंडीशन में ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बनने लगता है। दोस्तों ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे शरीर में जब बनने लगता है तो इस लैक्टिक एसिड के कारण ही हमें थकान का अनुभव होने लगता है और हमारी मांसपेशियां कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देती है। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि हमें थकान होने लगी। तो दोस्तों ये जो लैक्टिक एसिड है यही हमारे थकान की असल कारण है। तो दोस्तों आपने जान लिया कि इस लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे शरीर में थकान होती है। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य मैं आपके लिए लाकर आऊंगा, इसलिए जुड़े रहे आत्मनिर्भर क्लासेस से।